अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर फिर यूक्रेन को धोखा देने का आरोप लगा। बताया गया कि इस बार अमेरिका नए लड़ाकू विमान देने के अपने वादे से ही मुकर गया और उसकी इस हरकत से जंग के मोर्चे पर खड़े यूक्रेन की मुश्किल बढ़ गई। अब यूक्रेन की वायुसेना ने अमेरिका पर सवाल उठा दिए। उसका कहना है कि अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से उसे अब तक नए लड़ाकू विमान नहीं मिले, बल्कि इस जंग में खराब हो चुके विमानों की मरम्मत के लिए सिर्फ पुर्जे भिजवाए गए। बाइडेन सरकार के इस रवैये ने जेलेंस्की के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी, क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जेलेंस्की की सेना बाइडेन के भरोसे पर ही पुतिन के खिलाफ मैदान में उतरी थी, लेकिन फिर क्या हुआ ये दुनिया जानती है। ये सच है कि हथियारों के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता, और आधुनिक युद्ध में तो युद्धक विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स की युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जेलेंस्की भी अगर पुतिन को आंख दिखा पा रहे हैं तो उसके पीछे अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से उनको मिल रही युद्ध सामग्री की मदद ही है। ऐसे में अब जेलेंस्की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि वो जंग लड़े या खराब विमानों की मरम्मत करे। असल में अमेरिका ने कुछ दिन पहले यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने की बात कही थी, और उसने यूक्रेन को $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देने का ऐलान भी कर दिया था। इसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन भेजे जाने थे, और अमेरिका ने दावा किया कि उसने अपने वादे के तहत नए लड़ाकू विमान और उनके पुर्जे यूक्रेन को सौंप दिए। हालांकि कितने विमान यूक्रेन भिजवाए गए इसकी जानकारी उसने नहीं दी। इसी के बाद बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का बेड़ा पहले से और मजबूत होने का दावा भी कर दिया, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना ने बाइडेन के इस दावे की पोल खोलने में जरा भी देर नहीं लगाई।